हाय माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब लोग? आई विश मेरी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली एकदम खुश है. टेम्परेंस टेम्परेंस का काढ़ा है. वाओ, तो मेरी फैमिली आई होप कि खुश है. आज की रीडिंग है कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल दी साइन, चाहे आप एरीज लियो सेजिटेरियस है, जेमिना लिब्रा एक्वेरियस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, या कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है. ये रीडिंग आप सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है 100%. आज हम देखने वाले हैं कि ये दिसंबर का महीना आप लोगों की जिंदगी में क्या कुछ लेके आने वाला है. अभी कल परसों में दिसंबर लग जाएगा एंड दिसंबर का महीना, सही बोलूँ तो मुझे काफी अच्छा लगता है. मुझे अक्टूबर दिसंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दीज 3 मंथ्स आर द ब्यूटिफुल मंथ, मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं. अक्टूबर इसलिए बिकॉज थोड़ी थोड़ी ठंड आनी शुरू हो जाती है, गुलाबी गुलाबी ठंड होती है. नवंबर इसलिए क्योंकि ठंड गोज ऑन होती है. और दिसंबर दिसंबर ऐसा लगता है जैसे कि न्यू रेजोल्यूशंस लेने के लिए आया है, कुछ नई बिगनिंग्स करने के लिए आया है. क्रिसमस भी आता है और मौसम बदल रहा होता है, खूबसूरती के साथ बदल रहा होता है. तो इट गिव्स मी अ ब्यूटिफुल वाइब. तो मुझे ये जो 3 महीने होते हैं ना, साल के अंत के ये जो 3 महीने होते हैं ना, ये मुझे बहुत बहुत ही खुशी सी देते हैं. तो दिसंबर का महीना आ रहा है और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बोला था अक्टूबर के महीने में रीडिंग्स के दौरान कि नवंबर मंथ विल बी द रिकन्सिलिएशन मंथ फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, और वैसा ही हुआ. आप लोग जो जो अपने ऊपर काम कर रहे थे, उन लोगों का रिकन्सिलिएशन हुआ है बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ. आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके फीड देख सकते हैं, फीडबैक्स देख सकते हैं. आई ऑलवेज पोस्ट ब्यूटिफुल सक्सेस स्टोरीज फॉर यू गाइज, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप लोग जाके वहां पे देख सकते हैं, है ना. और अब मुझे दिसंबर के लिए भी कुछ अलग सी ही वाइब्स आ रही है, जैसे कि मुझे करियर से रिलेटेड थोड़ी सी ज्यादा वाइब्स आ रही है दिसंबर में, एंड लव से रिलेटेड कुछ आ रही है, जैसे कि कुछ न्यू बिगनिंग्स होंगी, कुछ नए लोग आपसे एड ऑन होंगे. तो आज की रीडिंग इसी टॉपिक पे है कि दिसंबर का महीना मेरे ब्यूटिफुल सोल फैमिली के लिए क्या लेकर आने वाला है, क्या होने वाला है आप लोगों की जिंदगी में इस दिसंबर मंथ में, ठीक है. सो दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग. और एक चीज और बता दूं, जल्द ही मैं आप लोगों से जो अपना दूसरा वाला चैनल है ना गॉड्स टैरेट, उसके ऊपर शेयर करूंगी हर स्पेसिफिक राशि के लिए, हर स्पेसिफिक जोडियक के लिए उसका दिसंबर मंथ कैसा होगा. मैंने सोचा है उस चैनल पे बनाना शुरू करूंगी आप लोगों के लिए. आजकल मैं आप लोगों को एक प्लेलिस्ट तैयार करके दे दूंगी मैं वहां पे रीडिंग्स करके, तो आप लोग अपनी अपनी जोडियक के हिसाब से वहां पे चेक इन कर सकते हैं. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ चैनल का, ठीक है. फोर ऑफ पेनिकल्स, द हेरोफेंट, मैंने बोला ही था ना मनी रिलेटेड कुछ अच्छा होने वाला है. हाई प्रीस्टेस, नॉट बैड. एंड वी हैव द फोर ऑफ वॉन्ड्स, कमाल है, गुड. बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सेवन ऑफ कप्स. बेसिकली अगर 100 शब्दों में एक बात बोलूँ ना इस दिसंबर मंथ के लिए गाइस, आप लोगों के लिए, तो ये दिसंबर का महीना जो है आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा. जिनको करियर में अपॉर्चुनिटी चाहिए उनको करियर में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिन लोगों को प्यार में अपॉर्चुनिटी चाहिए उनको प्यार में अपॉर्चुनिटी मिलेगी. मतलब अपॉर्चुनिटी का मंथ होगा ये, अपॉर्चुनिटी वाला मंथ, जहां पर बहुत कुछ बड़ा हो रहा होगा, बहुत बहुत कुछ बड़ा हो रहा होगा. आपकी जिंदगी 360 टर्न होने वाली है गाइस, तैयार हो जाइए क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है. आप काफी समय से किसी एक चीज के ऊपर काम कर रहे थे, वो चीज आपको रिजल्ट देने वाली है विद दिस हाई प्रिस्टेस कार्ड. आप लोग हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में जाने वाले हैं. हाई प्रिस्टेस यानी कि आपको सारी नॉलेज होने लगी है, आप एक ऐसी एनर्जी में जाने लगे हैं जहां पर आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, जहां पर आप टोटली सरेंडर करते हैं डिवाइन. मैं देख रही हूँ विद दिस फोर ऑफ पेनिकल्स कार्ड, अगर आप अपने मनी को लेकर के बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर हो रखे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि मेरी मनी सिक्योर नहीं हो पा रही है, मेरी जिंदगी में ना सुख सा नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या बात है, समझ ही नहीं आ रही है बात, तो मनी आपका सिक्योर होने वाला है. आपके पास में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है विद द सेवन ऑफ कप्स कार्ड जो कि आपके मनी को सिक्योर करेगी, आपके भविष्य को सिक्योर करेगी. मुझे कई लोग कुछ पॉलिसीज वगैरह, जैसे ये लाइफ सिक्योर वाली पॉलिसीज होती है ना, ऐसी कुछ पॉलिसीज लेते हुए भी आप में से कुछ नजर आ रहे हैं मुझे इन दिस दिसंबर मंथ. एंड क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है तो मुझे कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट्स भी दिख रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रही है गवर्नमेंट जॉब्स, ऑफर्स, ऑफर लेटर्स. मुझे दिख रहा है कि कई लोगों की जिंदगी में ना ऑफर लेटर आने वाले हैं, ऑफर लेटर ऑफ जॉब्स एंड देयर अपॉर्चुनिटीज, जिस भी फील्ड में वो देख रहे हैं अपॉर्चुनिटी, ठीक है. फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है दिसंबर मंथ में. अगर आप लोग टोटली सिंगल हैं, आप लोगों की जिंदगी में कोई भी पर्सन नहीं है अभी तक, तो आपकी जिंदगी में कोई इंसान आने
वाला है जो कि आपसे शादी के लिए आएगा. ये बंदा मेटलिस्टिक तो होगा ही होगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी होगा, हैंडसम ब्यूटीफुल भी होगा, जिसका चार्म ही अलग होगा, करिश्मा ही अलग होगा इनका, ठीक है. एंड अगर आप लोग किसी पर्सन के किसी बंदे के साथ सेपरेशन मोड पे हैं, तो उनकी तरफ से आपके साथ कुछ अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है. मतलब कुल मिला के थकी हारी सी जो जिंदगी थी ना आपकी, थकी हुई सी उलझी हुई सी जो जिंदगी थी, उसके अंदर आपको राहत मिलेगी इन दिस दिसंबर मंथ. करियर के लिए ये दिसंबर का महीना बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है. सी क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया, करियर की बातें होती क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गई. तो जैसा कि मैंने बोला था कि नवंबर का मंथ आपके रिकंसिलिएशंस के लिए होगा, एंड दिसंबर का जो ये महीना है ये आपके करियर के लिए बहुत स्ट्रांग होने वाला है. और वही चीजें आ रही हैं, अभी तक आप इतनी मेहनत कर रहे थे, इतना कुछ आप कर रहे थे, इतनी इतनी मेहनत कर रहे थे आप, लेकिन आपको फल नहीं मिल रहा था, वो फल मिलने का समय आ गया है. होप्स के कार्ड है यहाँ पे, स्टार का कार्ड है यहाँ पे, कुछ बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है आप लोगों की जिंदगी में गाइज, ट्रस्ट मी. जिसके बारे में आपने एक्चुअली में ट्रस्ट नहीं किया था, बॉटम ऑफ द डेक ही क्या है, नाइन ऑफ पेनिकल्स, विश फुलफिल होने वाली है, आप लोगों को पीस मिलने वाला है, ठीक है. क्वीन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पे. तो कुल मिला के मैं तो बोलूंगी भाई कि आप लोगों को कोई अथॉरिटी मिल सकती है कहीं की, आप अगर कोई जॉब इंटरव्यू के अंदर सक्सीड होने के बारे में सोचे वो मिल सकता है. अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कोई बड़ा ओहदा मिले, मुझे मेरा कोई प्रमोशन होना चाहिए, आपका कोई रुका हुआ प्रमोशन है तो वो आपको मिलने वाला है. आपको कहीं से गिफ्ट्स रिसीव हो सकते हैं, आपकी फैमिली में किसी का कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो सकता है, वहां पे आपको कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए मिल सकता है, जहां से आपकी कोई अपॉर्चुनिटी खुल जाए. मतलब अपॉर्चुनिटी का मंथ होने वाला है दिसंबर का महीना, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिलेंगी इन करियर एंड इन लव फील्ड. लव फील्ड का तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन करियर का मुझे बहुत लग रहा है. फाइव ऑफ कप्स का कार्ड, देखो लव की बात करी और क्या बोलूं मैं. लव का कुछ ऐसा है, मैंने ये डेक ही उठाया था प्यार मोहब्बत देखने के लिए. बात ऐसी है, अभी प्यार मोहब्बत में तो थोड़े से तारे गर्दिश से ही नजर आ रहे हैं मेरे को. जो लोग टोटली सिंगल हैं उन लोगों के लिए, अगर कोई लड़का वगैरह देख रहे हैं आप, कोई लड़की वगैरह देख रहे हैं फॉर मैरिज पर्पज, तो आप लोगों को वो जरूर मिल सकता है. लेकिन अगर आप लोग अभी किसी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, आप अपने पर्सन से परेशान है, दुखी है, डिसअपॉइंटेड है, दूर है, तो मुझे दिसंबर मंथ में थोड़ी सी ये दूरी बरकरार नजर आ रही है. लेकिन अच्छी चीज इस महीने में ये है कि आप अपने आप से मिलेंगे, क्योंकि हाइपरस्टस का कार्ड है एंड पेज ऑफ वांड्स का कार्ड है. तो आप अपने करियर में इतने ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव करेंगे ना कि आपको ऐसा लगेगा कि चलो कोई बात नहीं, जो होगा समय के हिसाब से हो जाएगा. और इस एनर्जी में जब आप आएंगे तो थ्री ऑफ कप्स यानी कि आपकी जिंदगी एक खुशनुमा तरीके से बदलेगी. बॉटम ऑफ द डेक स्टार आ गया भाई, और क्या चाहिए हमें, होप्स मिलेंगी हमें. आपको होप्स मिल सकती है आपके इस रिलेशन के अंदर, आपको होप्स मिल सकती है, पॉजिटिव आउटकम्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है. नाउ लेट मी चेक फ्रॉम दिस ओशो ऑल्सो, दो कार्ड्स मैं निकालना चाहती हूँ. ओवरऑल दिसंबर का महीना मेरे ब्यूटिफुल कम्युनिटी के लिए कैसा होने वाला है. टोटैलिटी का कार्ड है, अगेन अपॉर्चुनिटी आने वाली है आप लोगों की जिंदगी में एंड एक बदलाव आने वाला है. व्हील ऑफ फॉर्च्यून द चेंज कार्ड वी हैव, कुछ बदलाव ऐसे आने वाले हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होंगे. मतलब आप शॉक्ड रह जाएंगे, हो सकता है आपका कोई रिजल्ट आने वाला हो, आप लोग मतलब ऐसे हो जाएंगे कि हाय राम, इज दिस हैपनिंग विद मी, ये हो गया मेरे लिए, बाप रे ऐसा कैसे. ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है. सो दिस इज द ब्यूटिफुल मोमेंट इन योर लाइफ, दिस विल बी एन ब्यूटिफुल मोमेंट इन योर लाइफ, जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि बस मेरी जिंदगी खुशनुमा हो चुकी है, मेरी जिंदगी खुशियों से भर चुकी है, ठीक है. नाउ लेट मी चेक फॉर यू गाइज कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं. एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, जो सोचा है उसके लिए काम करो, कर महत्व रखता है. सिंपल सी बात है कि आपने जो सोच रखा है इस महीने के लिए, हो सकता है आपने कुछ शेड्यूल प्लान्स कर रखे हो. जैसा कि मैंने बोला ही था कि दिसंबर मंथ इसलिए भी मेरा फेवरेट है क्योंकि न्यू बिगनिंग्स देता है, न्यू रेजोल्यूशंस देता है. अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितना निभा पाते हैं, लेकिन जो सोचा है उसके लिए काम करो, कार्य करो, कर महत्व रखता है. दिस इज द गाइडेंस फॉर माय लेजी पीपल जो काम से थोड़ा सा जी चुरा लेते हैं. सॉरी. स्पिरिचुअल प्लस लाइफ ग्रोथ, आपको ब्लैक तारा माँ की उपासना करनी चाहिए, ठीक है, स्पिरिचुअल और लाइफ ग्रोथ के लिए. एंड मैरिज प्लस लव, अगर आपकी मैरिज में कोई प्रॉब्लम है तो आप शिव की उपासना कीजिए, विश्वास की साधना कीजिए, विश्वास रखिए, सरेंडर कीजिए, सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं. तो बेसिकली आपको अपने स्पिरिचुअल और लाइफ की ग्रोथ या मनी ग्रोथ चाहिए तो ब्लैक तारा मंत्र, ग्रीन तारा मंत्र की उपासना करें. एंड लव की अगर बात है तो आपको क्या करने की जरूरत है, शिव की उपासना कीजिए, शिव भगवान जी की, महादेव जी की उपासना कीजिए या फिर विश्वास की साधना कीजिए. जो सोचा है उसके
उसके लिए कार्य करो कर्म महत्व रखता है. दिस इज द ओवरऑल मंथ एनर्जी फॉर यू गाइज. ओके, तो मंथ के पूरे की एनर्जीज ऐसी रहने वाली कि आपको कार्य करना है, आपको मेहनत करनी है. ठीक है, आपको जी नहीं चुराना है मेहनत से, होपफुल रहना, अच्छा सोचना है. तो दिसंबर का मंथ बहुत अच्छा आने वाला है आप लोगों के लिए. आमीन. तो अपना अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें. अपन नेक्स्ट जो मैं अब करूंगी ना आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली जोडियक्स के लिए, वो मैं दूसरे चैनल पे करूंगी, तो आप लोग उसको चेक इन करना ना भूलें. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक गिवन कर रखा है और जल्दी ही एक दो दिन में आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट प्रिपेयर कर दूंगी मैं फॉर एवरी साइन स्पेसिफिकली. तो अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा एंड हमेशा याद रखें जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है. ठीक है, लव यू अलॉट. आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार. बाय.